हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमिक्स। ये प्रॉब्लम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। इसमें हम लोग देखेंगे हाउ डू वी कैलकुलेट डिफॉर्मेशन इन अ सिस्टम ऑफ बार्स कनेक्टेड इन अ लाइन। यू कैन सी दिस पिक्चर लाइक दिस। ओके, सो दीज आर द बार्स कनेक्टेड एंड दिस प्रॉब्लम वी कैन से द कनेक्टिंग बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। सो ये है बार 1, 2 एंड 3, तीन बार हैं। तीनों का डायमीटर है, इसका डायमीटर 25 mm एंड द डायमीटर ऑफ दिस बार इज 50 mm एंड दिस बार इज 30 mm। डेटा आपको सारा गिवन है यहाँ पे। ये लेंथ है 1000, लेंथ है 600 एंड दिस लेंथ इज 800 mm एंड एवरी थिंग इज गिवन इन mm एंड फोर्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ई इज न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फोर्सेज आर इन न्यूटन। सो दैट्स वाई। ओके, सारे फोर्सेज न्यूटन में है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेसेस हमारे न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएंगे। ओके, इलोंगेशन हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द फोर्सेस फोर्स P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम इफ P1 इज 10 किलोन्यूटन, P3 इज 40 किलोन्यूटन, ओके, एंड P4 इज 16 किलोन्यूटन। सो दीज आर द थ्री फोर्सेज एंड वन फोर्स ऑल्सो अननोन एंड द डिफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड फाइनली। सो दिस इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट। तो सबसे पहला जो है आपका काम, हर मेंबर में फोर्सेस फाइंड आउट करना। इस मेंबर में कितना फोर्स होगा, इस मेंबर में कितना फोर्स होगा, इस मेंबर में कितना फोर्स होगा। ओके, और उससे पहले आपको ये चेक करना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर ये चारों फोर्सेस के कारण बॉडी, इफ ऑल द फोर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन समीशन आई शुड राइट हियर, समीशन एफ एक्स शुड बी जीरो। सो फॉर समीशन एफ एक्स हाउ कैन आई राइट द इक्वेशन, P1 suppose if this force is positive and these forces are negative, I take just sign convention, then P1, okay, P1 and this plus P3 minus P2 minus P2 and minus P4 is equal to 0। तो यहाँ से हमारे पास में P2 निकल के आ जाएगा। okay, this is P1, so I can write here, you can see here, this is the final tan P3 40, P2 and P4 is equal to 16 and finally and the 50 minus 16 34 is equal to P2. So P2 force is 34 and a positive आ रहा है, इसका मतलब ये जो है जो हमने लिया है उसी direction में। So students, after this we have to calculate the force in individual member. As we all know, the delta will be equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3. Algebraic sum of all the deformation will be the final deformation of the body. Okay, so for that we have to find force in individual segment, resultant force. तो हम लोग हर segment में एक एक cross section consider कर लेंगे, x and finally xx cross section हमने consider किया। तो सबसे पहले इस cross section की बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो पूरा का पूरा एक segment है और कोई force नहीं लगा। अगर मैं यहाँ पे xx segment consider करूँ तो हम लोग जब भी forces को balance करते हैं तो हम लोग algebraic sum लेते हैं either left hand side और right hand side of that section, correct? तो मैं यहाँ से जब start करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक फोर्स लग रहा है सिर्फ P1 का, और ये P1 का फोर्स तब तक लगता रहेगा बॉडी में जब तक कि कोई दूसरा फोर्स नहीं आ जाता। ओके, तब तक लगता रहेगा। तो जब दूसरा फोर्स आ रहा है उससे पहले वाले सारे सेक्शंस में एक ही स्ट्रेस लगे रहेगा, वो होगा इस P1 फोर्स के कारण। तो पहली जो बॉडी है उसमें बाय डिफॉल्ट हमेशा जो हमारा फर्स्ट फोर्स होता है वो ही उसमें आ जाता है। तो इसमें हमने इसको P1 नाम दिया, मैं यहाँ पर डैश लेता हूँ। ओके, इसका सफिक्स रहेगा, सो P1 हो गया, P1 फर्स्ट असेंबली के लिए। एंड सेकंड असेंबली की बात की जाती है तो सपोज P2 होगा, P2 कितना होगा ये सेकंड असेंबली में, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं इस वाले सेक्शन पे जब मैं खड़ा होऊंगा, इस सेक्शन पे बात करूंगा, अगर ये एक्स एक्स सेक्शन है तो मैं यहाँ से खड़े होकर जब मैं इधर देख रहा हूँ तो ये वाला फोर्स भी जो है कंसिडर आ जाएगा। जब मैं जस्ट एडसेंट टू दैट सेक्शन इफ आई सी एनी सेक्शन, ओके, आई विल वी हैविंग समराइज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग। ओके, तो इस वाले सेक्शन पे लगने वाले, जैसे अगर ये सेक्शन है तो इस सेक्शन पे लगने वाले प्लस इसके लेफ्ट हैंड साइड के सारे फोर्सेज उसके आगे वाले की आगे उसकी
जिस डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं उस सेक्शन पर कंसीडर करेंगे। तो हम लोग अगर सपोज इधर P1 लग रहा था लेकिन इसी सेक्शन पे यहाँ पे P2 भी लग रहा है, तो इस वाले सेक्शन पे जब मैं इधर सेकंड पार्ट के लिए कंसीडर कर रहा हूँ तो सारे फोर्सेज हो गए P1 माइनस P2। सो ओके, तो यहाँ पे जो P2 डैश हो जाएगा ये होगा हमारा P1 माइनस P2, ये हमारा इसका जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी द आंसर। नाउ P3 डैश की अगर हम बात करें, P3 डैश, तो P3 डैश कितना हो जाएगा इस सेक्शन पे लगने वाले सारे फोर्सेस का, इस सेक्शन पे और इसके लेफ्ट हैंड साइड के सारे फोर्सेस का एलजेब्रिक सम, या फिर मैं इस सेक्शन के राइट हैंड साइड के सारे फोर्सेस का एलजेब्रिक सम ले लूँ। अगर मैं इधर से चलूंगा तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो मैं बेसिकली इधर से मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है, तो मैं इधर के लेफ्ट हैंड साइड के सारे फोर्सेज प्लस उस सेक्शन पे आने वाले फोर्सेज, तो ये हो जाएंगे हमारे पी थ्री। तो यहाँ पे मैं इधर से लगने वाले ये सारे फोर्सेस, तो पहला फोर्स हुआ हमारा ये रहा पी वन, ओके। उसके बाद में दूसरा फोर्स हुआ माइनस, क्योंकि ये अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाएंगे, ये आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। और उसके बाद में ये जो फोर्स है ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएगा एंड पी थ्री, ओके। तो ये जो फोर्स आने वाला है पी थ्री डैश दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू द पी फोर, तो ये बाय डिफॉल्ट पी फोर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इस वाली बार पे जो लगने वाला फोर्स है अगर हम लोग एक्सट्रीम एंड अगर यहाँ से लेते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पी फोर फोर्स आ जाता, तो ये हमें कैलकुलेट करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर पी वन डैश इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, तो इस वाली बॉडी में जो लगने वाला फोर्स है वो पी वन डैश है, एंड पी वन डैश इज इक्वल टू पी वन दैट इज 10 किलो न्यूटन। एंड पी टू डैश मतलब सेकंड मेंबर में जो आने वाला फोर्स है, और वो सेकंड मेंबर में आने वाला फोर्स हो गया पी वन माइनस पी टू, इस सेक्शन पे एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेक्शन, तो ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में और एंड एट द सेक्शन पी टू लग रहा है, तो ये पी वन माइनस पी टू हुआ, ये होगा माइनस 24। तो माइनस साइन जो है वो शो कर रहा है कि इस वाले सेक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है सो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे माइनस सिंबल आ रहा है, और ये सब में टेंसाइल फोर्स आ रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो इन सब में टेंसाइल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। फाइनली जब हम लोग डिफॉर्मेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू एंड प्लस डेल्टा थ्री। अभी जो है डेल्टा थ्री ये प्लस का 16 आ रहा है, वैसे भी ये पी फोर है, तो पी फोर की जो वैल्यू है वो 16 हो ही चुकी है, तो P4 अब यहाँ पे भी हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा तो ये 16 आ गया। अगर आपको साइन कन्वेंशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं वापस से एक बार साइन कन्वेंशन यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई फोर्स कैलकुलेट करते हैं, अगर आप लोग सारे के सारे फोर्सेज में एलजेब्रिक सम कर रहे हो, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से अगर ये साइड पॉजिटिव ले रहे हो तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं उसके बाद में आप पी वन पी टू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है और वो अगर बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो टेंसाइल फोर्स होगा, ओके। तो ये अगर बाहर है तो बाय डिफॉल्ट बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे भी टेंसाइल होगा। और अगर किसी भी बॉडी पे आपने कोई बॉडी कंसीडर की है उस पे बॉडी के साइड में फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव फोर्स, इस तरीके से होगा, ये कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स के लिए हम लोग माइनस साइन ले रहे हैं, टेंसाइल फोर्स के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद में ये इस तरीके से साइन कन्वेंशन रहेंगे। तो हम लोग अगर इंडिविजुअल बॉडी में अगर आप लोग जब फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोग उसका मतलब है उसमें टेंसाइल है, और नेगेटिव आ रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स है। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं। बाकी आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को भी आप जो है सॉल्व कीजिए साथ में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने के बाद अब हमारे पास में कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन इक्वेशन आ चुकी हैं। डेल्टा वन इज इक्वल टू पी, ये हुआ पी जो है पी मतलब टेन जो है हमारा फोर्स आया, जो भी हमारा फोर्स आ रहा है। सो यू कैन सी हियर लाइक पी वन इज इक्वल टू टेन मतलब पी वन डैश जो हमारा फोर्स आ रहा है, तो ये हुआ पी इंटू 10^3 किलो न्यूटन में दिया हुआ है। उसको हम लोग न्यूटन में, क्योंकि हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन न्यूटन पर mm स्क्वायर में होने वाली है, मतलब डिफॉर्मेशन है तो mm में आएगा, सो हम लोग न्यूटन पर mm में ही चीज़ लेंगे, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी मीटर की जगह mm में आ चुकी है, 1000 mm हो गया, और ये पाई 25/4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 जो है एरिया हुआ। और उसके बाद में ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पी एल ओवर ए एंड फाइनली पी एल ओवर ए। इस तरीके से हमारे पास में सारे रिलेशन आ चुके। ई की वैल्यू 2.05 × 10^5 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके 2.05,
ओके या 2 या 2.05 अगर दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो ही लेना हमें, वाट एवर डेटा इज गिवन. सो पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया हुआ सेकंड सेगमेंट का एंड थर्ड का हुआ पाई डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे 30 है. तो इस तरीके से पी एल ओवर ई पी एल, सो एल इज 800 एंड फाइनली वी गेट अवर आंसर. अब यहाँ पे माइनस आपको आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा. फाइनल जो डिफॉर्मेशन आएगा वो रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन होगा, ये टेंस ये एक्सपेंशन, दिस इज कॉन्ट्रेक्शन, दिस इज एक्सपेंशन. लाइक दिस यू कैन सी हियर द डिफॉर्मेशन इन फर्स्ट दिस एंड दिस इज पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव आएगा तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया फाइनली. एंड दिस इज एंड फाइनल डिफॉर्मेशन आई कैन राइट हियर 0.151 mm. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 0.015 mm. ओके एंड बी क्लियर अबाउट द कैलकुलेशन. इफ एनी डाउट यू स्टिल हैव यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन वॉच अदर वीडियोज ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.